हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करने वाले हैं। 2024 में जो अभी करेंटली लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनकी बात करने वाले हैं। स्पेशली इस वीडियो का टारगेट होगा लोकसभा, क्योंकि अभी हमारे देश में जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, उसमें किस तरीके से कैसा इंडिया का जो इलेक्शंस होते हैं, कैसे वोटर पार्टिसिपेशन होता है, किस तरीके में अलग अलग फेजेस में ये डिवाइडेड होता है, इनकी बात करेंगे हम लोग। कौन सी इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं, कौन से इंपॉर्टेंट अलायंसेज हैं इसमें इन्वॉल्व, और क्या होती है हमारी ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, या किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, या किस मेथड की मदद से हम लोग इलेक्शंस कराते हैं, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। और साथ ही साथ इस इलेक्शन में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट की इश्यूज़ की भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो अंडरस्टैंडिंग द लोकसभा इलेक्शंस। देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा और इनैक्ट करा। 1951 में देश में सबसे पहले जनरल इलेक्शंस हुए। तीन मेन जो आप पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में जो तीन मेन पार्ट्स है, उसमें से सबसे पहला है हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ इन्फोर्सिंग बॉडी है यानी जो लॉज को इन्फोर्स करती है, और जुडिशियली जो लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी है, लॉ को इंटरप्रेट करती है। अब देखो, इनको इन डिटेल में हम लोग समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो तीन चीज़ों पे हमारा टिका हुआ है। सबसे पहला हमारा लेजिस्लेचर, जिसमें हमारा इंडियन पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट के तीन हिस्से होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा आपका लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, इस वजह से इसे बाई कैमरल पार्लियामेंट कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव में हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं। जुडिशरी में अगेन हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सब आ जाते हैं। अब देखो, लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। पार्लियामेंट को इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट के तीन आप कह सकते हैं मेजर जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट एक आपका हेड ऑफ द स्टेट है, सेरिमोनियल हेड ऑफ द स्टेट है। रियल हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट को हम लोग नॉमिनल हेड या फिर सेरिमोनियल हेड कहते हैं। प्रेसिडेंट का रोल जो है वो समन करना, या फिर आपके जो भी लोकसभा के सेशन से उनको डिसॉल्व भी कर सकती है प्रेसिडेंट। एंड द प्रेसिडेंट ऑल्सो गिव्स एसेंट टू द बिल्स पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। जब दोनों हाउसेज से यानी लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है। अब देखो, लोकसभा क्या है, ये लोअर चैम्बर ऑफ द हाउस है, या फिर सॉरी लोअर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट है, यानी निचला सदन है हमारे पार्लियामेंट का, हमारी संसद का। ये सिटीजन्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते वो डायरेक्ट देश के लोगों के द्वारा ही चुन करके वहां पर जाते हैं, जिन्हें हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, या फिर जिनका अभी चुनाव हो रहा है, यानी जिन्हें हम लोग जनरल इलेक्शंस में चुनते हैं, जिसे हम लोग सांसद कहते हैं। अब राज्यसभा में भी देखो, राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, मगर राज्यसभा और लोकसभा में ये अंतर है कि राज्यसभा में जो लोग चुनकर के जाते हैं या जो MPs बनते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग से, या फिर पब्लिक का उसमें कोई रोल नहीं होता है, वो दूसरे इंटरनल मेथड की मदद से चुने जाते हैं। दोनों में हम लोग मेथड्स की भी बात कर लेते हैं। लोकसभा में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है और राज्यसभा में, देखो राज्यसभा में आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे होता है इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की मदद से। मेथड का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जबकि लोकसभा में क्या होता है, आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये आपका लोकसभा के इलेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो, लोकसभा का इलेक्शंस कैसे होते हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लोकसभा क्या है, लोकसभा का आप किस तरीके से, कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा का, क्या टेन्योर है, कैसे कोई इसका मेंबर बन सकता है, किस तरीके से इसमें इलेक्शंस होते हैं, इसको लोकसभा क्यों कहते हैं, चलिए इसमें जान। देखो, लोकसभा इस वर्ड का ही क्या मतलब है, हाउस ऑफ द पीपल, यानी जहाँ पर लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो आकर के
बैठते हैं या फिर वो आकर के काम करते हैं, सरकार बनाते हैं। तो लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल होती है। अब इसको, ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है और ये नॉन परमानेंट बॉडी है, इसको डिसॉल्व करा जा सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं। आपका लोकसभा का जो ओवरऑल टेन्योर होता है वो कितना, 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का, लेकिन उससे पहले भी इसे आप डिसॉल्व किया जा सकता है या फिर इसे इवन एक्सटेंड भी किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पर। डिसॉल्व कब किया जा सकता है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब सरकार जो है वो अपनी गिर जाती है। आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है, जिसकी वजह से ये अगर जो करंट जो गवर्नमेंट है वो अपना बहुमत नहीं प्रूव कर पाती है तो उसकी वजह से डिसॉल्व भी करी जा सकती है लोकसभा। अब देखो लोकसभा किनके द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा, किस मेथड से, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी हर किसी को उनके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उनके जेंडर के, उनके रेस के, उनके कास्ट के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर किसी को वोटिंग के राइट्स दिए गए थे, जो कि 21 एज तक का था। उसके बाद में इसको पलट करके 18 एज तक का यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज दिया गया। अच्छा, और क्या चीज़ें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है आपकी, 552 थी इनिशियली, ये 500 के अराउंड थी, बट अभी करेंटली हम देखते हैं तो ये 552 है, और बिल्कुल रिसेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो अब ये 550 हो गई है। ये इसका हम लोग डिवीजन भी आगे देख लेंगे कि कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले 552 को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। पहले जो हमारे टोटल मेंबर्स थे 552, इसमें से 530 जो थे वो आपकी स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आते थे। ये जो है ये मैक्सिमम नंबर है, इतना मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में कितनी स्ट्रेंथ है हमारी, 543 है। इसको भी अभी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से आते थे और जो बाकी के दो हैं वो एंग्लो इंडियंस होते थे। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, ऐसे फैमिली से जो कोई बच्चा हो जिसमें जो मदर है वो इंडियन है और उनके जो फादर है वो ब्रिटिशर रहे हो या यूरोपियन रहे हो, यूरोप के किसी भी ही कंट्री से अगर उनका फादर रहा हो लेकिन मदर इंडियन रही हो, यो पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के बाद भी कुछ समय तक, तो उनको एंग्लो इंडियन माना जाता है और उनको भी एक तरीके का प्राइम मिनिस्टर जो आपके प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करके इलेक्ट करती है। अच्छा ये तो हो गया, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है हमारी, 530 जो है वो स्टेट से चुने जाते हैं, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 13 जो है ये हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें से दिल्ली से 7, फिर उसके बाद एक 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 करके हमारी जो और यूनियन टेरिटरीज है वहाँ से आपके ये मेंबर्स को चुना जाता है। और बाकी की जो वेकेंट सीट्स हैं वो वेकेंट क्यों है, क्योंकि एक टाइम पर देखो इलेक्शंस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखने से पहले या फिर जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे उससे पहले ही क्या था कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई थी, तो उसमें पाकिस्तान का काफ़ी एरिया, सॉरी इंडिया के कश्मीर का काफ़ी एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था इलीगली, जिसे हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो वहाँ पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से लोकसभा को फ्रेम करा गया, वहाँ पर सीटें छोड़ी गई, वेकेंट रखी गई, कि जब जब जो आगे आने वाले जो लीडर्स होंगे उनको ये हमेशा ध्यान रखे कि ये जो वेकेंट सीट्स है ये कहाँ से फिलअप होगी, हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी हमारे देश का इंटीग्रल पार्ट है और ये सीट्स उसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, तो इस वजह से इन सीट्स को वेकेंट रखा गया। अब देखो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे की फंक्शंस क्या है हमारे ये लोकसभा के, ये मनी बिल्स या जो भी इंपॉर्टेंट बिल्स है उनको इनिशिएट और पास करती है। लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में इसका क्रूशियल रोल रहता है, ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर और एक तरीके से क्वेश्चन करने के लिए या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखने के लिए लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव पावर्स होती है जैसे लॉज बनाना, स्टेट लिस्ट का कॉन्करेंट लिस्ट या फिर आपकी ये अलग अलग लिस्ट पर लेजिस्लेटिव पावर्स आपकी लोकसभा के पास होती है। फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल होता है लोकसभा में। आपने सुना होगा जो नेता हैं या जो सरकार है वो कहाँ पर अकाउंटेबल होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी लोकसभा या पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होती है, अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जुडिशियल फंक्शन में ये जो है ये जो आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्हें इम्पीच भी
करा जा सकता है लोकसभा की मदद से बिल को पास करके। अब देखो, अब हम लोग आएंगे हमारे वीडियो के मेन टॉपिक यानी लोकसभा के इलेक्शंस पे, यानी जो कि एक तरीके का देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। अब देखो, इंडिया जो है यहाँ पर एक मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यानी कई सारी पार्टीज है, कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इलेक्शन को लड़ते हैं। कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या फिर कुछ ऐसी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है जहाँ पर चार से ज़्यादा स्टेट्स में या तो वो पावर में हो या फिर आप कह सकते हो कि वो एक मेन ऑपोजिशन हो या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोट उन्हें ये इलेक्शंस में मिला हो। करेंटली भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी कुछ पार्टीज हैं जो कि नेशनल पार्टीज हैं। तो अब देखो, जो मेजर आप देखते हो इलेक्शंस में, तो आपको सुनने में आता होगा कि भारतीय जनता पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, यही दोनों के बीच में मेन कॉम्पिटिशन लगा रहता है। ये दो जो है ये मेजर पार्टीज है। अब 17th जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो नरेंद्र मोदी बने थे, जिनका अब जो 2024 में 16 जून को इनका जो सेशन है या फिर इनका जो टेन्योर है वो ख़त्म होने वाला है। देखो, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपका एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं आपको होल्ड करना होगा, और भी बहुत सारे ये कुछ एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज होते हैं। मेन जो उस टाइम पर जो लास्ट 2019 के जो इलेक्शंस थे उसमें दो मेजर अलायंसेस फॉर्म थी। सबसे पहले आपकी जो NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस BJP+, और दूसरी थी आपकी यूपीए की जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके जितने भी अलायंसेस थे उनके बारे में था। अब बात करेंगे लोकसभा इलेक्शंस की 2024 की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग राज्यसभा के भी बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक छूट गया था। देखो, राज्यसभा में 250 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 238 जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मदद से चुने जाते हैं, और जो 12 है उनको जो हमारी प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करती हैं, अब नॉमिनेट करती हैं सॉरी। और इसके अलावा देखो, ये जो है ये एक परमानेंट बॉडी होती है, इसमें आप डिसोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिन्यूड एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है या टेन्योर है वो 6 साल तक का होता है राज्यसभा का। अब देखो, हम लोग इलेक्शंस की बात करेंगे 2024 की। ये जो इलेक्शंस होने वाला है हमारा, या हो रहा है जो इलेक्शन, ये 44 डे लॉन्ग होने वाला है, यानी काफ़ी लंबा इलेक्शन है ये। और इससे पहले 2 टर्म्स नरेंद्र मोदी कंप्लीट कर चुके हैं, और 3rd टर्म के लिए ये फाइट करने वाले हैं इस इलेक्शन में। 970 मिलियन के अराउंड आपकी पॉपुलेशन जो है आउट ऑफ 1.4 बिलियन, यानी अराउंड 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो इस बार वोटिंग राइट्स है उनके पास, वो वोट दे सकती है। और साथ ही साथ ये जो लोकसभा के जनरल इलेक्शन है, इन्हीं के साथ साथ कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शन यानी विधानसभा के भी इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होंगे। अब देखो, इलेक्शंस किस मदद से होते, किस मेथड से होते, किस आर्टिकल में इलेक्शंस के बारे में दिया हुआ है, इनको भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। आर्टिकल 83 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लोकसभा में हर 5 साल पर इलेक्शन होगा इस बात को बताता है। ऑल 543 इलेक्टेड MPs आर इलेक्टेड फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज यूजिंग फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। अब देखो, इसको हम लोग समझते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्यों और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं। देखो, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट वोटिंग क्या होती है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से A, B और C 3 लोग हैं जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस। ए को मिलते हैं 34% ऑफ टोटल वोट्स, बी को मिलते हैं 33% ऑफ टोटल वोट्स, सी को भी मान लेते हैं 33% ऑफ टोटल वोट्स मिलते हैं। तो इसमें से आप बताओ कौन विनर होगा। ए विनर होगा, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम कहता है किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस भी जो इलेक्शन का जो कैंडिडेट है उसको, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ वोट्स, वो जीत जाएगा। अब वो सबसे ज़्यादा वोट कितने भी हो, भले एक वोट भी हो, एक वोट भी किसी को अगर ज़्यादा मिला तो वही विनर होगा। इसी वजह से ये जो वोटिंग का सिस्टम है इसको ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं मानते। क्यों ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा किसी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने वोटर्स थे उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बी या सी को वोट देना चाहते थे, उनको बनाना चाहते थे। टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो 66% लोग जो हैं उन्होंने ए को नहीं चाहता, या वो ए को अपना लीडर नहीं चुनना चाहते थे, फिर भी ए जो है वो
लीडर बन गया। तो ये एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक सी चीज़ है कि जहाँ पर जस्ट बिकॉज कुछ ज़्यादा लोगों ने या कुछ लोगों ने ए को ज़्यादा वोट दे दिया, इसकी वजह से जो एक्चुअल जो जनता थी ही जिसको जो बट गई दूसरी दूसरे कैंडिडेट्स में या दूसरी दूसरी पार्टीज़ में, वो एक्चुअल में ए को तो नहीं चाहती थी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन फिर भी ए जो है वो वहाँ पर बन गया। अब देखो, लेकिन ये सिस्टम हम लोग क्यों अपनाते हैं, क्योंकि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी कई सारी खामियां है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, प्लस आपके लोकसभा इंडिया जैसी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक आइडियल कंडीशन नहीं होती है। इस वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लोकसभा में अलाउ नहीं करा या फिर इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करा। देखो यहाँ पर इस मैप में हमने दिखाया कौन कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ की सीट्स जो है वो स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब के लिए आपकी रिजर्व्ड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी ऐसी सीट्स हो गई। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे इस लोकसभा इलेक्शन के फेजेस। देखो इस लोकसभा इलेक्शन को भी 7 फेजेस में डिवाइड करा गया है। मैप की मदद से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से फेज में वोटिंग होगी। जैसे फर्स्ट फेज में आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वोटिंग होगी, फिर आपका ये जो पंजाब वाला एरिया है, देन आपका इधर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फेजेस में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में ऐसे करके वोटिंग होगी। अब देखो वोटिंग जो है वो 18th जो लोकसभा है वो उसकी ही आपकी 16 मार्च से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वो लागू कर दिया गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है आचार संहिता, यानी आपके इलेक्शंस के जो डेट्स है वो अनाउंस होने से लेके इलेक्शन कंप्लीट होने तक एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है हर एक पार्टी को, हर एक कैंडिडेट को, जिसमें वो कोई नए ऑफर्स या कोई नई योजनाएं ऐसे अचानक से नहीं बता सकती हैं, या कोई बहुत ज़्यादा वो अपना नई योजनाओं पर या नई नई चीज़ें नहीं कर सकती है। जितने उन्होंने पहले अपने मैनिफेस्टो में अपनी प्रोमिसज करे थे उसको थोड़ा बहुत प्रमोट कर सकती है, लेकिन नए कुछ कैंपेन्स वो लॉन्च नहीं कर सकती है। कुछ मेजर फीचर्स को भी देखेंगे हम लोग लोकसभा इलेक्शंस के, जैसे आपका यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो भी 18 से ऊपर का है वो वोट दे सकता है। उसके बाद फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको अभी हमने डिस्कस किया, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जीतता है। और भी चीज़ें हैं जिसको आगे हम लोग देखेंगे, जैसे डिलिमिटेशन को हम लोग समझेंगे कि डिलिमिटेशन क्या होती है, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से या एक मेंबर जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर इलेक्ट हो सकता है, ये डिलिमिटेशन है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक जो पर्सन है, कोई कैंडिडेट है, मान लेते हैं राहुल गांधी जी है, तो ये केवल दो ही मैक्सिमम दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। जैसे वो पहले वायनाड और आपके अमेठी से लड़ते थे, इस बार उन्होंने रायबरेली से भरा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम दो ही जगह से इलेक्शंस को लड़ सकता है, ये भी डिलिमिटेशन में आ जाता है। इसको आगे हम लोग देखेंगे। इंडिया के जो लोकसभा इलेक्शंस है वो मल्टीपल फेजेस में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है आपकी और डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक ही दिन में या एक ही फेज में इसको कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, लॉजिस्टिकल फीजिबिलिटी, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके अलग अलग फेजेस में इलेक्शंस को डिवाइड करा गया है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे लोकसभा इलेक्शंस 2024 के कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानेंगे। देखो इन इलेक्शंस में जो दो मेजर आपके अलायंसेज है, सबसे पहले इंडिया अलायंस है जिसमें ऑपोजिशन की जितनी भी पार्टीज है वो फाइट कर रही है, और साथ में एनडीए जो हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रहा है। अब देखो एनडीए अलायंस की कुछ जो मेजर पार्टीज है वो यहाँ पर लिखी हुई है आपकी भारतीय जनता पार्टी। मैप की मदद से अपनी हमने दिखाया कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कौन कौन से देश के अलग अलग कोनों से कौन कौन सी पार्टियाँ लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में। जैसे आपका भारतीय जनता पार्टी होगी, तेलुगु देशम पार्टी होगी, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली है, फिर आपकी और भी जो पार्टीज है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेक्युलर, देन आपका अपना दल हो गया, आपका असम ग्राम परिषद हो गया, असम जन परिषद हो गया, फिर आपकी जनसेना पार्टी हो गई। ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पार्टीज है जो कि आपके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का पार्ट है। अब इसमें मेजर पार्टी जो है वो बीजेपी है। इसके अलावा इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस 2024 के इलेक्शंस को लड़ रही है। इसमें आपकी आम आदमी पार्टी होगी, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, आपकी ही समाजवादी पार्टी होगी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस होगी, ऐसी बहुत सारी ऑपोजिशन की पार्टीज जो है वो लड़ रही हैं।
नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे इलेक्टोरल ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्यों हम लोग इसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं, क्यों जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है, कैसे ज्योग्राफिकल आपके अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो इंडिया को 543 सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा गया है, जो कि हर एक एक जो मेंबर है वो लोकसभा के एक एक मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डेलिनेटेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड अदर फैक्टर्स टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये ज्योग्राफी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है या इलेक्टोरल ज्योग्राफी ऑफ रिप्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब करिए। फिर वोटर्स पार्टिसिपेशन को भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले डिलिमिटेशन में मैंने पहले ही बताया था कि कोई एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम दो ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर को चुना जा सकता है। अब देखो वोटर पार्टिसिपेशन में वोटर का रजिस्ट्रेशन, हर एक सिटीजन को रजिस्टर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को, ज़्यादा से ज़्यादा एल्डरली पीपल को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट, जैसे हमने इलेक्टोरल ज्योग्राफी वाली वीडियो में पढ़ा था ना कि अलग अलग स्मूथ सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जैसे EVM से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे आसानी होती है इलेक्शंस को कराने में और ज़्यादा इकोनॉमिक भी पड़ता है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर और इलेक्शन कमीशन वाले खुद जाते हैं, वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कई सारे ऐसे रूरल बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं इंडिया में जहाँ पर और जाकर के कुछ 100-200 ऐसी पॉपुलेशन भी होती है वहाँ पे भी, लेकिन जाकर के इलेक्शंस कराए जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट पहुँचती है वहाँ पर, इलेक्शन कराती है। इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर ड्यूटी होती है। इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है? राजीव कुमार है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और वोटर टर्नआउट का मतलब क्या होता है? वोटर टर्नआउट जो है वो रीजन्स पे, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे डिपेंड करता है कि आखिर कितने वोटर्स जो एलिजिबल थे उनमें से कितने वोटर्स ने आपका एक्चुअल में जाकर के वोट दिया है। अब ये डिपेंड कर सकता है आपके अर्बनाइजेशन पे, लिटरेसी रेट्स पे, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पे, या पॉलिटिकल अवेयरनेस पर डिपेंड कर सकता है। या अगर अच्छा वोटर टर्नआउट होता है तो इसको डेमोक्रेसी के लिए अच्छा माना जाता है कि अगर ज़्यादा लोग जाकर के ये वोट करते हैं तो ये अच्छी डेमोक्रेसी को शोकेस करता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इलेक्टोरल ज्योग्राफी की वीडियोस में डिस्कस करी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे जो इस साल के इलेक्शंस में रखे गए हैं, जैसे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट GDP को लेकर के, या इंडिया जो है वो अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक जो इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई जो है, या अनएम्प्लॉयमेंट जो है, या रूरल डेवलपमेंट है, बेटर हेल्थ केयर सिस्टम, या जेंडर इक्वालिटी, जैसे आपकी आपने देखा होगा रूलिंग पार्टी ने ऑलरेडी बोला है कि हम 1/3 रिजर्वेशन दे देंगे वुमेन को, और जो ऑपोजिशंस है वो भी वुमेन को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में रिजर्वेशन देने की बात करी। तो ऐसे कई सारे मैनिफेस्टोज में आप देखोगे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस या कास्ट सेंसस कराने की ऑपोजिशन ने बात करी। तो ऐसे कई सारी योजनाएँ जो है वो अलग अलग पार्टीज, अलग अलग अलायंसेस लेकर के आ रहे हैं इस इलेक्शन के लिए, और यही जो है ये मेन जो है इस इलेक्शन के मुद्दे हैं। तो इसमें हमने देख लिया है हमारा किस तरीके से इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, किस तरीके से आपका लेजिस्लेचर फॉर्म होता है। पार्लियामेंट जो कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, इसमें ये तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं आपके, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसके बाद हमने इससे पहले हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को भी समझा था। फिर हमने देखा कि कैसे लोकसभा फंक्शन करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, क्या क्या पावर्स है लोकसभा के पास, किस तरीके का पार्टी सिस्टम है इंडिया में, किस तरीके के इलेक्शंस होते हैं, कब कब इलेक्शंस होंगे 2024 के, और किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कौन लड़ रहा है, या कौन कौन सी पार्टीज हैं जो कि इसमें अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है, किन किन फेसेस में होने वाला है ये इलेक्शन। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग ने डिस्कस किया, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज को डिस्कस किया, फिर हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हमने डिस्कस किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।